दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आप लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग ट्राई करो खुद से, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चंस का आइडिया मिलता है। ये क्वेश्चन 2002 में आया हुआ है एसएससी में, और एसएससी के सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, मैं पहले ही बता दूँ आप लोगों, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है, लाइक भी कर सकते हो अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, द सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए स्कूल। समझो कि बॉयज़ को हम भी मान लिए, नहीं कि जो उनकी संख्या है बॉयज़ की वो भी है, जो गर्ल्स की संख्या है वो जी है, और दो सब मिला के जो वो 150 है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि इफ़ द बॉयज़, जो बॉयज़ है नंबर ऑफ बॉयज़ वो एक्स है, यहाँ पे बी का वैल्यू एक्स दिया हुआ है, कम के हमें क्या मतलब, हमें यही लिख देना है, कोई बात नहीं, एक्स दिया हुआ है। द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम एक्स परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब बताइए जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, इसका एक्स परसेंट क्या होगा, इसका एक्स परसेंट ये हो जाएगा। अब ना गर्ल्स इज टू बॉय 150, तो यार इस क्वेश्चन में है क्या, बताओ आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, मैं क्या करूँ अभी इस क्वेश्चन में, इसको आप किस चीज़ से, 2 से कटाओ, 3 से कटाओ, 50 से कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 150, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू, 5x इक्वल टू व्हाट, 5x इक्वल टू 300 एंड एक्स इक्वल टू 60। तो दिस इज द आंसर, कुछ है नहीं खास इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।